मार्फॉलोजिकल डिवेलपमेंट ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे मार्फॉलोजिकल डिवेलपमेंट से के बारे में बात करनी है मार्फॉलोजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स इट्स अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड आल्सो अ कम्पोनेंट ऑफ ग्रामर दैट स्टडीज़ वर्ड स्ट्रक्चर्स ये वर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है अब वर्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं वो मारफीम से मिलकर बनते हैं एक सिंगल मारफीम वाले वर्ड भी हो सकते हैं जैसे मैन शेप डबल मारफीम वाले या ब्यूटीफुल तो जितने मैंने इसमें सेलेबल्स आपके स्टॉक करके बोले ये इतने मारफीम्स हैं सो so, मारफीम्स जो हैं, ये बिल्कुल आप कहेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्ड मेकिंग का जब वर्ड बनाते हुए हम इसको इसकी स्टडी करेंगे कि कैसे जो मारफीम वर्ड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं और इसको फिर जो वर्ड्स की अब ग्रामर में या इंग्लिश में जो शेप है वो डिफरेंट है मतलब वो डिफ़रेंट उसको जैसे अगर हम कहें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तादाद में नाइन हैं अब उनको देखिए उनमें अगर जो वर्ड्स हैं उनकी मार्फॉलोजी को उनकी अंडरस्टैंडिंग को उनको कैसे वो बन रहे हैं इसको समझने का जो नॉलेज होगा उसे हम मारफोलोजिकल मार्फॉलोजी कहेंगे और उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो मार्फॉलोजिकल डेवलपमेंट होगी और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स है एंड वर्ड्स फॉर्मेशन है जैसे सिफिकस इनफिक्सिस और इन्फ़्लैक्शन और डायरिवेशंस अब आप देखें कि मारफीम जो है ये मिनिमल यूनिट है जब ये इसके भी ग्रामिक इसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी है और ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं अब सेफिक्स जो हैं जिन्हें हम उर्दू लैंग्वेज में सबके या लाह के कहते हैं तो ये क्या है कि किसी वर्ड के साथ ऐड होकर उसको उसके मीनिंग्स में ऐड करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं और इस तरह वो वर्ड जो है ये इस तरह इनका जो रोल है वो क्या है वो ग्रामेटिकल भी फंक्शन है कि वो उस वर्ड के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं तो लिंग्विस्टिक यूनिट जो कंसिस्ट ऑफ वर्ड सच ऑफ मैन जैसे अभी मैंने बताया कि ये सिंगल मारफीम वाला वर्ड है और मैंने दूसरे एक से ज़्यादा मारफीम वाले वर्ड्स की भी मिसाल भी दी आपके सामने सो so, अब अब देखें हम इसमें आ, ये हमें टेंसिस की भी बात इससे पता चलता है जैसे अब री ओपनड री ओपनड अब अब देखें अगर फ़र्ज़ करें जो वर्ब है वो ओपन है और ओपन को अगर हम पास टेंस में कहें तो आ, बनाएंगे ये ओपनड बना और अगर इससे पहले हमने री लगा दिया तो ये री ओपनड इसका मतलब ये पास टेंस को उसने कन्वे किया और ये आ, ये कहने को तो ये तीन मारफीम है और ये मिनिमल यूनिट हैं लैंग्वेज के और इन्हें मारफीम्स जो हम कहते हैं और ये ग्रामेटिकल फंक्शन भी अदा कर रहे हैं द तो वर्ड नाउन टूरिस्ट अब टूरिस्ट जो नाउन है अब टूरिस्ट अगर सिंगल वर्ड है तो उसके साथ अगर हम एस लगाएंगे तो ये क्या बनेगा प्लूरल बनेगा तो इस लिहाज से अब देखें कुछ वर्ड्स जो है वो जैसे री पहले लगा वर्ड से और ये एस जो बाद में लगा तो ये क्या करते हैं कि ये वर्ड्स में उनकी ग्रामेटिकली उनकी सेंस कन्वे करते हैं और उनको कंप्लीट करते हैं और उनमें ऐड करते हैं उनके मीनिंग्स में और जैसे मसलन टूरिस्ट है टूरिस्ट है ये टूर करने वाला वो शख्स है जो मतलब मुख्तु जगहों पे विज़िट करता है और अगर इसको हम प्लूरल बनाने के हमने एस फॉर्म यूज़ की तो इस तरह ये प्लूरल हो गया अब जो मारफॉलोजी में हम ना मार्फ्यूम्स की भी स्टडी करते हैं फ्री मार्फ्यूम्स और बाउंड मार्फ्यूम फ्री मार्फ्यूम्स वो होते हैं जो जो सिंगल स्टैंड अलोन जो अकेले अपने वर्ड्स अपने मीनिंग्स अदा कर लेते हैं जैसे कि सर्व या प्रेस लेकिन कुछ मार्फ्यूम ऐसे होते हैं मार्फ्यूम जो स्टैंड अलोन उनके मीनिंग्स नहीं बनते उनको उनके साथ हमें कुछ वर्ड्स कंबाइंड करने पड़ते हैं जैसे कंफर्टेबल comfort कंफर्टेबल और कंफर्टेबल अब दोनों कंफर्ट का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हैं कि कंफर्ट एक कंप्लीट लफ्स है लेकिन एबल उसके साथ लगाया तो तब कंफर्टेबल या रिकवरेबल या इस तरह करके जो हम ये बाउंड मारफीम की एग्जाम्पल है क्योंकि जो बाउंड मारफीम है वो अकेले मीनिंग्स नहीं देते तो ये थी स्टडी ऑफ़ मारफोलोजी जिसमें हम वर्ड्स की साख्त के बारे में बात करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं और उस मारफीम्स की स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ़ मार्फोलोजी या मार्फोलोजिकल डेवलपमेंट